एक नया वीडियो में तो उनका फिर से स्वागत है। तो मैं नरेंद्र सिंह और तुमने देखा था गोलू गाइड ब्लॉग चैनल, तो सबके लिए जय जोहार। तो आज के वीडियो स्पेशल है, तुमका कमेंट का जो रही ठीक है, वो कमेंट के हिसाब से मैं वीडियो बना रहा हूँ। ये वीडियो पूरा देखना है, लड़की मतलब भी लड़का मन भी देखना है। इसमें मैं अपन पूरा एक्सपीरियंस बताऊँ कौन हिसाब से मोर 8.75 गए रही ठीक है, और कुछ मेहनत करके आज 9 कम्प्लीट होगी इसमें ठीक है, 9 मीटर आसानी से फेंक देता हूँ। तो काहे अब मेन चीज़ का होता है ना, सबसे एक थिंकिंग मैं दूर कर देना चाहता हूँ ये वीडियो के माध्यम से, कि हर कोई सोचते कि मोर बॉडी बहुत कम है। जैसे मोर बॉडी ले देखा ठीक है, हर कोई सोचे अरे यार थोड़ा मोर हट्टा कट्टा रहती तभी मोर गोला आ जाए भाई। ना यार ऐसा कुछ नहीं है, मोर बॉडी देखा ऐसा कुछ नहीं है, इतना कोई बाहुबली वाला नहीं है ठीक है, फिर भी 9 जात है। कुछ तो कारण है ना जो 9 जात है मोर है ठीक है, 9 मीटर फेंक दिया था गोला ला। तो अब मेन कहा होता है कि ऐसा थिंकिंग बिल्कुल नहीं रखना है। और सेकंड बात यह है कि ये वीडियो मैं बताऊँ कि अपन गलती ला पकड़ना कैसे है, टेक्निक ला सुधारना कैसे। तो मुझे ताकत है, सब कुछ है, लेकिन टेक्निक नहीं है ठीक है। टेक्निक का जो गड़बड़ हुआ था वह तुम्हें पकड़ नहीं पाता, तुम्हारा एहसास हुआ था लेकिन वो पकड़े का तुम्हें तरीका नहीं पता है। मैं मोर पुराना जीवन वीडियो देखते मतलब पता हुई कि मैं टेक्निक में कैसे पकड़ा था, अपन गलती ला कैसे पकड़े। दूसरा जी एडवाइस नहीं देते, कुछ चीज़ लग खुद पकड़ना पड़ते हैं, वो चीज़ लग वीडियो में बताऊँ। तो वीडियो पूरा देखना है तब जाके तुमने का तुम मन भी 9 मीटर फेंक सका था ठीक है। तो वीडियो में पूरा बने रहा, तो चलिए वीडियो ला शुरू करा थी। पहला पॉइंट कि गोला ला पकड़ी कैसे, सबको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है कि गोला ला पकड़ना कैसे। पहला स्टेप में ही हम बात करें तो देखा सबका तरीका टेक्निक सबका अलग अलग है ठीक है। तो सबसे मेन पॉइंट है कि तुम्हारा पकड़े में कौन सा कंफर्टेबल है ठीक है। हर कोई अलग अलग आइडिया देते, अलग अलग मिथ देते, लेकिन तुमको अपन आप ऊपर थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। मैं खुद जब फेंकत रहन दो तीन टे चीज एक्सपेरिमेंट करें उसके बाद फिर जाके इतना बढ़ पाइस ठीक है। तो अपन ऊपर एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि मोर व सुटेबल कौन सा है, मोर बॉडी हिसाब से कौन सा चीज़ सही धरेगा। देखा एक होते कि यहाँ रखा बीच में ठीक है, बीच में रखें एक तरीका होते पकड़ेगा ठीक है। एक तरीका वो पकड़ते हैं जी, मैंने यहाँ बीचों बीच में पकड़ते हैं यहाँ ये पाँचों के ए वाला में ठीक है, जहाँ तुम्हें बता ए वाला यहाँ एक एकर ऊपर रखते हैं ठीक है। ये में बहुत जन बोलते हैं कि सब सही है, तरीका सब सही है, लेकिन तुम्हारे बॉडी हिसाब से कौन टेक्निक में तुम्हें बेहतर जाते उधर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ओकर में तुमको एक्सपेरिमेंट करना है ठीक है। एक आदमी यहाँ रखते ऐसे पकड़े कोशिश करते ये ऐसे ऐसे फेंकने की कोशिश करते हैं ठीक है। और एक आदमी कहाँ पकड़ते हैं फिंगर में, बहुत जन फिंगर में फेंकते हैं, उमल सुटेबल कहा होता है कि उमन फिंगर में ऐसे ऐसे पकड़ के फेंकते हैं। उमल उमन के हिसाब से उमन फिंगर में ज़्यादा ताकत दे पाते हैं। और मैं का ताकत मैं ऐसे पकड़ता हूँ, ऐसे पकड़ के ऐसे एक ये पकड़ते का जो है मैंने एकदम अच्छे तरीके से कस दबा पाता हूँ एक ठीक है। ये टाइप से मतलब पूरा मैं पंजा खोल के एक पकड़ता हूँ। ये कहाँ होते हैं मोर यहाँ यहाँ ए में पकड़ता हूँ, पूरा ए वाला बीच वाला में पकड़ता हूँ। तो यहाँ मोर बेनिफिट देते पूरा पकड़े टाइट पकड़े ने वाला है ऐसे लाइन ये फंसा नहीं कस ये देखा पकड़े का तरीका देखा मैं और ये लाइक सीधा रखे थे मोर यहाँ आते ना पूरा फिंगर है देखा ये पकड़ एक से मैं कहा जब मैं एक झुक था मोर टेक्निक में कस ये पूरा टाइट रख रहा था। जब टाइट पकड़े थे तो फिर जा फिर एक फेंक था ठीक है। तो इतना टाइट पकड़े का तुम्हारा होना चाहिए कि यार गिरे मत, कितना टाइट तुम्हारे हाथ में ताकत आना चाहिए कि कस फंसा सका तुम्हें कस ठीक है। ये होगी अब दूसरा हम बात कर रहे थे कि अब टेक्निक में ठीक है। अब फेंके का तरीका दो चीज़ होते सबका सबका ठीक है। एक होते जो ऐसे करके पूरा ऐसे घूम के फेंकते हैं ठीक है, वो तरीका सबका अलग है, बहुत कम ही करते हैं फिजिकल के टाइम में मैं देखे हूँ, बहुत मतलब रेयर है, मतलब हज़ार में के व्यक्ति का इस तो बहुत है। लेकिन ज़्यादातर हम का करते हैं ठीक है, नॉर्मली खड़ा हो जो ये लकीर है देखा ये बाउंड्री में ठीक, ये बाउंड्री के अंदर में इतना पैर रख ले हैं। तरीका ये होते कि पूरा ऊपर उठाएं ठीक है, नॉर्मली एक साइन एक करें गर्दन में जो बहुत जन एक सीधा सीधा कस उठाते हैं तेला ज़्यादा टाइम पे होल्ड नहीं करना जब फेंकना है तो ठीक है। इला बस इतना में करना है कि एक ज़्यादा नहीं एक बार झुका दूसरा बार फेंकता। एक तरीका एक होता है कि एक सीधा सीधा इंसान फेंक देते ठीक है सिंपल वाला। और मोर तरीका का है कि मैं पीछे साइड से एक ये वाला पोजिशन पूरा टाइट कर सूँ ये मुझे सीखे में बहुत एक्सपेरिमेंट करना पड़ीस ठीक है। थोड़ा सा जर्क भी हुई बॉडी में दर्द भी हुई ठीक है। फिर एक गला में एक फंसाएन पूरा बॉडी में फिर झुके न ए ऐसे आए ओकर बाद फिर ए एक फेंके ना ठीक। तो ये तरीका ला मैं अपनाता हूँ। एमें का हुई पहले मैं का करते रहें फर्स्ट में जब मैं करत रहे नो टाइम ठीक है, क्या तुम्हें पता भी होना चाहिए कि मैं कौन टाइप से एक्सपेरिमेंट। पहले मैं सीधा फेंकत रहें ठीक है ए फेंकत रहें, लेकिन मैं इतना फोर्स नहीं दे पाते रहें कि मोर ज़्यादा जा पाए ठीक है। मोर पुराना वीडियो दिया आई बटन में लगाया था वह मोर 8 तक नहीं जाते रही ठीक है, बहुत मुश्किल से 8 पहुँचाते रही। लेकिन जब फिजिकल तक पहुँचे तक 8.75 पहुँचा दें ठीक है। तो यही सब टेक्निक आजमाया के बाद होते हैं।
तो मतलब एक एक टेक्निक ना सीखना है, ठीक है। टेक्निक सबके पता है, तो मतलब यूट्यूब में हजारों वीडियो मिल जाएगी टेक्निक के बारे में। इंटरनेशनल एथलेटिक्स जरूरत है, ठीक है। उमन का भी तुमने देख लिया, ओलंपिक वाला सब देख लिया, तो वहाँ भी तुम सीख सका था। मतलब ज्यादा खासकर वही वाला वीडियो मैं सीखे रहे ओलंपिक में जो फेंका जाते हैं, ठीक है। ये वाला टेक्निक ला मैं देखूँ तुमन कौन टाइप से करत है और पोजिशन बनाते हैं। वीडियो हम बहुत सारा देखते हैं लेकिन वाला इम्प्लीमेंट नहीं कर पाना, ऊपर उतार नहीं पाना, ठीक है। तो अपन उतारना है वो चीज़ ला, तब जाके वो ठीक हो पाई। तो तुम्हारे का करना है, ये वाला तरीका ला सीखना है, ठीक है। ये वाला फेंक सका था ये, या फिर ये सामने वाला है ये फेंक सका था। अब इनमें दिक्कत का होती कि मोर गोला जात का है नहीं है। तो प्रॉब्लम ये है कि गोला ला हमको सबसे ज़्यादा हाइट देना है, जितना ऊपर लॉन्चिंग दे पाती, ठीक है। ये गोला जब पकड़े हैं हमें, ठीक है, ये तब जब फेंक थन तो हम डायरेक्ट ऐसे सीधा कस फेंक थन, एक टुकवाए टाइप से कस कर थन, ठीक है। हमारे सिंपल भाषा जो कहते ना क्योंकि आम वाला टुकवा थन एकस करके टुकवाए कोशिश करते हैं, ठीक है। तो वो टाइप से हम टुकवाना चालू कर देते, वो टुकवाना नहीं है यार, एक बेस मिहर जाते जब एक आते सीधा एकस तीर का माफिक बोले तो एकदम सीधा जाना चाहिए ना। जितना ऊपर एकस मूवमेंट दिया, जितना ऊपर हाइट दिया, हाइट देना ऊपर हाइट सबसे ज़्यादा हाइट। अब हाइट तो दे दे हा, तो प्रॉब्लम है कि हमारे शरीर का बॉडी का जो रहते सिचुएशन रहते, ठीक है, तरीका रहते फेंके का, तो हमारे शरीर का बॉडी में मूवमेंट नहीं बनते। हम जब एकस फेंक थे एकस, ठीक है, तो हमारे शरीर में लचक नहीं रहे, ठीक है। जो एक तेजी होना चाहिए ना, एक करेंट करेंट जैसे आयन फर्स्ट झुकेन ये एकदम स्पीड में, तब तो तुम ताकत दे पाई है ना। अब तुम का करता कि अभी जो है एकदम स्लोली स्लोली और फिर ऐसे नॉर्मली फेंक देता, मेरे को बॉडी ऐसा कुछ मूवमेंट ही नहीं कर पाए तेज कि गोला ज़्यादा दे पाए, तुम इफेक्ट कर पाओ हमें। तो बोला मूवमेंट देना है हमें, वो ज़्यादा बेहतर है तुम्हारे पर, ठीक है। तो तरीका सीखे का है तुम, जब ये मैं गोला पकड़े मान के चला, ठीक है, एग्जाम्पल वह मैं गोला पकड़े, ठीक है, मुझे एक फेंकना है, तुम्हारे बॉडी जैसे ये कमर कैसे मूवमेंट करते है, ये पूरा ताकत देते हुए एक मूवमेंट करते है पूरा, तो तुमन का बॉडी मूवमेंट ही नहीं कर पाए। तो बोला पकड़े का सबसे आसान तरीका है अपन दोस्त माला काकरो जो वीडियो बनावा, ठीक है, और वो वीडियो ला बार बार रिवाइंड करके देखा स्लो मोशन में, तो मतलब ऑटो में 101% बता दूँ मैं तुम्हें ला, तुम्हें गलती तुरंत पता चल जाएगी कि मैं कहाँ जो मिस्टेक करता हूँ। और मैं खुद वो गलती ला मैं यही टाइप से पकड़े मैं, तुम्हारा लॉन्ग जंप होगी, ठीक है, लॉन्ग जंप तुम वीडियो तुम्हें बना के देखा, ठीक है, आगे पीछे स्लो मोशन में देखा, तुम्हें तुरंत पता चल जाएगी कि मैं कहाँ जो गलती करता हूँ। और जैसे गोला होगी, ये गोला जब तुम फेंकत रहेगा मूवमेंट ला, अपन बॉडी का मूवमेंट ला देखे कहाँ जो कमी होते, तुम्हारे कमर ज़्यादा झुक तो नहीं जाते, आगे तो नहीं आ जाते, या मैं तेजी नहीं दे पाता हूँ, ठीक है। तो ये सब छोटा छोटा चीला पकड़ के इंसान का गोला आगे बढ़ते हैं, ठीक है। टेक्निक सबके पता है, तरीका सबके पता है, लेकिन वो करे वह इंसान स्टार्ट नहीं करते, ठीक है, सीखे का प्रयास नहीं करते, अपन गलती ना सुधारे का प्रयास नहीं करते। बस आइन है डेली आते ग्राउंड में, बस फेंकत जाते हैं दोस्त, अरे यार मोर गोला नहीं जाते यार कैसे हो ही, ठीक है, तुमन जो बहुत ताकत है बॉडी तेहरी तुम्हारे जाते, अरे भाई एक बार अपन आपने झाँक के तो देखा कम से कम, ठीक है, तब तो बनी हो चीज़ है, ठीक है। तो तरीका तो अगर सबसे पहले है लड़का और लड़की दो जो मैं बताता हूँ मैं, ठीक है, दो ये चीज़ अभ्यास करे तुमन अपन आप लेकर करना है, ठीक है, एक मूवमेंट बनाना है, फिर एक तरीका ये एक प्रैक्टिस करना है अपन मूवमेंट ला बनाया, फिर बस ये एक गोला पकड़े है एक झुके है ये ऊपरे सीधा, ये जल कान का साइड से निकलना चाहिए एकदम सीधा, ये प्रैक्टिस करना है, तो आदत में लाना है ला, ये 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 जब मोर वीडियो ला देखे मैं शॉर्ट डाले रहे नेक्स्ट हमारे, ठीक है, गोला फेंके का जब मैं एक साथ में ही तेले, ठीक है, तो यार पूरा एकस पूरा मूवमेंट बन जाता, पैर पूरा उछाल देते, इतना पूरा ताकत पूरा फोर्स देता हूँ मैं, ठीक है, तब जाके गोला पहुँचा। तो मतलब अपन बॉडी का फोर्स ही ना निकाल नहीं पाता, तो कैसे जाए, कैसे उम्मीद कर सकते कि जा पाए। तो मतलब यही सीखना है और बार बार रिपीट करना है, ठीक है। तो ये सब तरीका रहे गोला ला 9 मीटर फेंके का, ठीक है। ये मित्र बिल्कुल मत रही कि मोर बॉडी कम है तो कम, अगर ताकत ही बढ़ाना पड़ते तो नेक्स्ट वीडियो में तुम्हारा मिली एक्सरसाइज के वीडियो, ठीक है, वो मैं तुम्हारा बताऊँ कैसे हाथ पैर में पूरा ताकत लाते हैं, ठीक है, कौन सा एक्सरसाइज जो सबसे बेस्ट है, ठीक है, बोला मैं तुम्हारा बताऊँ, लॉन्ग भी जाए तुम्हारा गोला भी जाए एकदम बेहतरीन तरीके से जाए। तो नेक्स्ट वीडियो में भी देखना एक्सरसाइज का, ठीक है, तब जाके कोई भी चीज़ तुरंत नहीं होया, कोई भी चीज़ शॉर्टकट नहीं रहे, बोला धीरे 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 इंप्रूव करना पड़ता है, ताकत लाना पड़ता है, तब होते एक ही बार में अचानक नहीं होता चीज़ें, ठीक है। तो मैं मोर गोला फेंक के दिखाता हूँ, जो शॉर्ट देखना वो देख लिया, ठीक है। तो बाकी अटैच कर दूँ वीडियो वाला मोर, तो सब तरीका अपनावा तुम उनका गोला 100% 9 मीटर जाए, ठीक है। तो आज की वीडियो बस इतना ही, जय हिंद।
देख रहे हैं 9 मीटर 9 मीटर गिरी ठीक है।